आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग फेच एपीआई की सहायता से पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो। पोस्ट रिक्वेस्ट हम मारते हैं जब भी हमें कोई डेटा सेंड करना होता है बड़ा सर्वर पे, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट की लिमिट होती है यूआरएल में आप कितना डेटा भेज सकते हैं इस चीज की। हम लोग फेच से देखेंगे किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को सर्वर पे भेज सकते हैं चलता है कंप्यूटर स्क्रीन में, और देखते हैं ये सब चीजें किस तरह से काम करती हैं। गाइस, आज हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में देखेंगे कि किस तरह से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है। तो मैं आप लोग को मिलवाना चाहूँगा जेसन प्लेस होल्डर से, जो कि फ्री फेक रेस्ट एपीआई है, और हम लोग नोट्स में भी देखेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले नोट्स में जो मैंने लिखा है वो बहुत ही क्रिस्प पॉइंट है, तो उसको देख लेते हैं। टू मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट वी नीड टू यूज़ फेच ऑप्शंस, यानी कि फेच एपीआई के साथ जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था वो ऑप्शंस का होता है। तो अगर हम वो ऑप्शंस को सप्लाई करते हैं तब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब ये ऑप्शन हमें कहाँ पर देना है, ये मैंने लिखा हुआ है सिंटेक्स यहाँ पर। पोस्ट रिक्वेस्ट जब हम मारना चाहेंगे तब हम यहाँ ऑप्शंस ऑब्जेक्ट में मेथड को पोस्ट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फेच एपीआई को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेट ऑप्शंस इज इक्वल टू लिखूंगा, और ऑप्शंस एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे मेथड को कर दूंगा पोस्ट, ठीक है, मेथड को मैंने पोस्ट कर दिया। और मेथड को पोस्ट करने के बाद क्या करेंगे कि जो हमारा हेडर्स हैं, जो हमारे हेडर्स हैं, हेडर्स में हम कर देंगे कंटेंट टाइप को एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। हेडर्स एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो कंटेंट टाइप है उसको हम करेंगे एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ, और हमारा जो कंटेंट टाइप है वो हो गया एप्लीकेशन जेसन। इसको मैं इस तरह से रखूँगा नीचे को एंटर मार के, क्योंकि शायद मैं और हेडर्स भी इसमें ऐड करना चाहूँ फ्यूचर में। तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन होता है। अगर आप लोग यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पर जाते हो तो यहाँ पर आप लोग को एक कोड मिलता है। अब ये कहाँ पर मिलता है मैं आप लोग को बताता हूँ। आप जैसे ही खोलोगे जेसन, सबसे पहले ये क्या है, ये कोई ऐसा कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोडक्ट नहीं है, एक बहुत ही डेवलपर्स की मदद करने के लिए वेबसाइट है बस, ठीक है। आपको एक जेसन प्लेस होल्डर मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ पर एक मॉक फेच एपीआई मार सकते हो। आप यहाँ पर ये वाला कोड अगर रन करोगे, ये गेट टू डूज़ का कोड है जो कि आपको टू डूज़ प्राप्त करके देगा, ठीक है। मैं ज़रा इसको रन करता हूँ, इस रैपल को, और नई टैब में खोलता हूँ यार, ताकि मुझे इसका कंसोल देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एंटर मारूँगा तो यहाँ पर मुझे ये मिल गया, ठीक है, डेटा मिल गया कुछ सर्वर से। सिंपल सी बात, ये तो गेट रिक्वेस्ट थी, हम पोस्ट रिक्वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा हुआ है स्लैश पोस्ट, ये यहाँ पर जो है आप कर सकते हो। और इन्होंने यहाँ पर एक गाइड दी हुई है अपनी, जिसमें कि आपको पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरह से मारनी है ये बताया हुआ है। तो ये कोड इन्होंने जो दिया हुआ है उसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है यार, कॉपी पेस्ट मार दिया सीधे। हाँ, ये जो ऑप्शंस ऑब्जेक्ट है बस उसको रिप्लेस करूँगा, वो मैंने अपना मैनुअली बनाया हुआ है ऊपर ऑप्शंस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शंस। और जो इन्होंने लिखा हुआ था एग्जैक्टली कुछ उसी तरह का मैं डालूंगा, बट मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। तो बॉडी में मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट दूंगा जो कि इन्होंने दिया हुआ है। अलग अलग एपीआई अलग अलग बॉडी एक्सपेक्ट करेगी आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके एक इस तरह से जो है मैं दे दूंगा। मैं कहूँगा कि भाई बॉडी एक स्ट्रिंग होगी, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या करता है, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जेसन डॉट पार्स क्या करता है, एक वैलिड जेसन स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम फू बार और यूज़र आईडी 1 इसको पोस्ट करेंगे इस यूआरएल पर, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जैसे ही मैं करूँगा, मैं अगर आप लोग को दिखाता हूँ रिलोड करके पेज को, जैसे ही मैं ये करूँगा आप देखो यहाँ पर फू बार और ये हमारा जो रिसोर्स है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट से क्रिएट कर लिया एक्चुअली अपनी जो हमारी जो रिसोर्स है उसको, जो कि हमारा ये टू डू था। मैं चाहता तो यहाँ पर टाइटल में हैरी लिख सकता था, और यहाँ पर बॉडी में भाई लिख सकता था, और यहाँ पर 1100 लिख सकता था। और इसी चीज़ को मैं अगर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर हैरी भाई और 1100 आएगा, देख रहे हो आप लोग, हैरी भाई 1100 और आईडी 101, ठीक है। तो ये भी किया जा सकता है। अब ये तो हमने जो नॉर्मल सिंटेक्स है वो यूज़ किया है, हमने फेच एपीआई का सिंटेक्स यूज़ किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग को मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसी चीज़ को एक एसिंक फंक्शन में हम रैप करेंगे, ठीक है। मैं इसको एक एसिंक फंक्शन में रैप करूंगा। अब आप कहोगे यार ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, यार ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने एसिंक अवेट बहुत अच्छी तरह से सीखा था। और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट टू डू इज इक्वल टू एक एसिंक फंक्शन, ठीक है, ये एक एसिंक फंक्शन है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा
लेट पी इज़ इक्वल टू फेच ये, और यहाँ पर ये करने के बाद, और इसको भी मैं अंदर ही डालूंगा, इसके इस फंक्शन के अंदर डालूंगा। और अब आपको बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, क्या करूँगा पी डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स। यहाँ पर मैं एक मेन फंक नाम से फंक्शन बनाऊंगा, जो कि क्या होगा, मैं इसको ज़रा कुछ इस तरह से करूँगा कि कॉन्स्ट मेन फंक, कॉन्स्ट मेन फंक इज इक्वल टू एक फंक्शन, और ये क्या करेगा क्रिएट टू डू करेगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट टू डू इज इक्वल टू क्रिएट टू डू, और इसको मैं क्लोज करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग टू डू, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग टू डू मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और मैं जैसे ही रिलोड करूँगा, आप यहाँ पर देखना कि ये टू डू, एक्चुअली मैंने इस मेथड को भी चलाया ही नहीं मेन फंक को, तो मेन फंक को चलाऊँगा तब कुछ होगा ना। तो मैं काम करता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो क्रिएट टू डू किया, मैं इसको एसिंक फंक्शन बनाऊँगा और इसको भी अवेट करूँगा, क्योंकि जो हमारा ये एसिंक फंक्शन है वो हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं लेट टू डू इज इक्वल टू अवेट क्रिएट टू डू ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ये काम जैसे ही करूँगा रिलोड करूँगा, ये कह रहा है पी डॉट जेसन इज़ नॉट अ फंक्शन। ये कैसा मजाक है भाई, मैंने यहाँ पर फेच इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू फेच किया, पी इज इक्वल टू ये किया, मैंने यहाँ पर पी डॉट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू पी डॉट जेसन किया, ऐसा क्यों हो रहा है, पी डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा क्यों, देखते हैं यार क्या नाटक हो रहा है। लाइन नंबर 14 में अवेट किया मैंने पी डॉट जेसन, सबसे पहले मैंने ये एक प्रॉमिस ली, ओ मैंने इसको अवेट नहीं किया यार, ओ माय गॉड, इसको अवेट तो करना बनता है ना, इसको अवेट करूँगा फिर अवेट करूँगा इसको, ठीक है, दोनों को अवेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये मेरे पास इस तरह से आ गया, ठीक है, जो क्रिएट किया था वो आ गया। तो एसिंक अवेट फंक्शन का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। एसिंक अवेट फंक्शन हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है, मैंने आप लोग को बताया था, इसलिए मैंने एक मेन फंक बनाया, उस प्रॉमिस को अवेट किया और यहाँ पर आ गया। तो एसिंक अवेट के साथ थोड़ा इजी हो जाता है, एक एक करके रुकते रुकाते आपका काम होता जाता है, ठीक है। अब इसी में अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहूँ कि जो मेरा टू डू ऑब्जेक्ट है वो मैं पास करूँगा, तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर टू डू कर दूँगा और टू डू को पास कर दूँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि क्रिएट टू डू टू डू, और यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट टू डू इज इक्वल टू क्या ये, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ टू डू आर कर देता हूँ इसको, जो कि टू डू इज रिस्पॉन्स है, ठीक है। और अब मैं इसको रिलोड करूँगा यहाँ पर, तो आप लोग देखना ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया दोबारा से, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर अब हैरी टू बाई टू कर दूँ तो मुझे हैरी टू बाई टू देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैंने हैरी टू और बाई टू किया है, और इसको मैं रिलोड करूँगा तो हैरी बाई की जगह हैरी टू बाई टू आ जाएगा। तो मैं अपना टू डू सप्लाई करके क्रिएट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये एसिंक फंक्शन बनाया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ पर अच्छे से पता चल गया कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट क्रिएट टू डू, सॉरी गेट टू डू भी बना सकता हूँ, गेट टू डू, और यहाँ पर मैं आईडी डाल दूंगा, ठीक है, और मैं लिखूँगा गेट टू डू इज इक्वल टू एक फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, जो कि आईडी लेगा, और ये भी एक एसिंक बनाना पड़ेगा फंक्शन, और मेन फंक के ऊपर ही बनाता हूँ इसको, क्रिएट टू डू के नीचे बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया देखो क्रिएट टू डू, इसके नीचे बना रहा हूँ गेट टू डू को, ठीक है। और यहाँ पर गेट टू डू इज इक्वल टू एसिंक आईडी यहाँ पर लिखूँगा, और सिंपल सा काम करूँगा यार, यहाँ से कॉपी पेस्ट मारूँगा सीधे, कॉपी पेस्ट किंग हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर देखो लेट पी इज इक्वल टू अवेट फेच, और फिर इसके बाद लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एक काम करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेट आर इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये क्या करेगा फिर रिटर्न करेगा आर, ठीक है, रिटर्न आर हो जाएगा, और इसको सेव किया तो ये यहाँ पर अच्छे से हो गया काम मेरा। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग गेट टू डू कर सकता हूँ विद आई डी 567, देखता हूँ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, देखता हूँ 567 वाली आई डी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। यहाँ पर मुझे सिंटेक्स एरर क्यों देखने को मिल रहा है, हाँ एक्चुअली एक प्रॉमिस है, तो मुझे इसको अवेट करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा
कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पर कहा कि भाई अवेट करो फिर दिखाओ उसको। और देखो यहाँ पर इसने मुझे विद आईडी 567 ये वाला टू डू रिटर्न करके दिया है। आई डोंट नो वाई इसने मुझे ये क्यों रिटर्न करके दिया, बट मेरी जो रिक्वेस्ट थी उप्स मैंने यहाँ पर यार ये भेजा नहीं यार आईडी। देखो देख रहे हो आप लोग दोस्तों, गलती मैंने करी है और मैं इनको ब्लेम कर रहा हूँ। इन्होंने आईडी 1 से दिया लेकिन मैंने इसको आईडी 567 पास की थी क्योंकि मैंने अपने फंक्शन में हार्ड कोड कर रखा था। तो यार ये मेरी गलती है, मैं इसको ठीक करूँगा अपनी गलती को। और ये कह रहा है भाई 567 वाला नहीं है, सॉरी। चलो 5 वाला ढूंढते हैं, 5 वाला है क्या? नहीं होगा तो आपके मैं बनाऊंगा 5 वाला। और देखो 567 वाला ये कह रहा है नहीं है, एक्चुअली सेव होने में टाइम लगता है थोड़ा, तो अब ये सेव हुआ होगा। 5 वाला है, देखो इसने आईडी 5 वाला दे दिया। अच्छा आईडी 101 वाला देखता हूँ मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है देखता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उप्स मुझे यहाँ पर रिलोड करना है। और 101 वाला भी इसके पास नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये किस हिसाब से पुल कर रहा है। 101 देखो यहाँ पर आया मेरा यूआरएल, लेकिन 404 आया। बट दिस इज़ हाउ अवेट एसिंक वर्क्स विद फेच। ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ गया। और मैंने एसिंक अवेट वाला सिंटेक्स इसलिए यूज़ किया था कि आप लोग को अच्छा समझ में आए। अब देखो यहाँ पर क्रिएट टू डू इज इक्वल टू एसिंक टू डू हमने किया। एसिंक फंक्शन क्यों बनाया? क्योंकि हम रिटर्न करना चाहते हैं एक प्रॉमिस और इसके अंदर हम अवेट करना चाहते हैं अलग अलग प्रॉमिसेस को। मुझे डॉट देन सिंटेक्स यूज़ नहीं करना था इसलिए मैंने एक एसिंक फंक्शन बना लिया, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा रीडेबल लगता है कि पी इज इक्वल टू अवेट कर लो इस प्रॉमिस का जो रिजल्ट आएगा, फिर उसको अवेट कर लो और उसके बाद रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स जो कि एक प्रॉमिस होगी उसको भी अवेट कर लो, फिर इसके जो इसका जो रिजल्ट रिटर्न वैल्यू है इसकी उसको भी अवेट कर लो। ठीक है आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़ किस तरह से की जाती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।